नमस्ते, मैं सुरेखा चांडक। मैं की रेखा नाम से पेंटिंग्स करती हूँ। तो मैं आज आपके साथ मेरे घर को मैंने मेरे पेंटिंग से कैसे सजाया है वो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए, मेरे घर के एंट्रेंस में एक खाली दीवार है मेरे, तो वो दीवार पर मैंने वारली पेंटिंग तथा आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास से मैंने एक दीवार सजाई है। ये पेंटिंग मैंने 6 भागों में करी है, जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक का अपना पूरा मैंने इसमें दिखाया है। सुबह सूर्योदय होता है वो दिखाया है, फिर भगवान का नाम लेते हैं, फिर भोजन, फिर डांस, शाम को 4 बजे हम खेत में जाते हैं वो सीन है, और रात में जो है चांद तारे आते हैं वो सब दिखाए हैं। तो पूरी पेंटिंग्स एक साथ मेरी देखिए, एक साथ पूरी पेंटिंग दिखाइए। ये मेरे घर की दीवार है जो एंट्रेंस में पूरे पेंटिंग वाली पेंटिंग पूरा सजाया है। साथ में मैंने स्टोन पेंटिंग से मेरे गार्डन को भी सजाया है। गार्डन में मैंने मेरी स्टोन पेंटिंग भी रखी है। ऐसे गमलों में भी पहले मेरी मेरे हॉल में जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर मैंने सबसे पहले 3 हाथियों की रॉयल पेंटिंग्स राजस्थान टाइप की बनाई है, जो मैंने अंदर जाते समय लगाई है। कहते हैं कि हाथी की पेंटिंग घर में रहने से शुभ होता है। अब हॉल के सामने जो स्वामी समर्थ दाभोलकर की पेंटिंग है, उसके बाजू में ये दाभोल जी की पेंटिंग है, उसके बाजू में मैंने 2 नेचर पेंटिंग्स लगाई है। इसलिए मेरे हॉल का इंटीरियर बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, मैंने मेरे बेडरूम के डोर के ऊपर भी एक पेंटिंग लगाई है, बेडरूम के डोर के ऊपर, जो कि डांसिंग वुमन की है। वारली में डांसिंग कलरफुल वुमन्स, ये पेंटिंग मैंने यहाँ पर मेरे बेडरूम के एंट्रेंस पे लिए। वैसे ही चिल्ड्रंस रूम का डोर है, उसके एंट्रेंस में मुझे 2 पोतियाँ है, इसलिए मैंने 2 पोतियों की तस्वीर अपनी इस वारली पेंटिंग में निकाली है। जैसे एक पोती ऊपर के झूले में है, दूसरी पोती नीचे के झूले में है। मेरे पोतियों का नाम उत्कर्षा, उन्नति है। आइए, मैंने मेरी सीढ़ियों को भी वारली पेंटिंग से सजाया है। जिसमें खेत का, डांसिंग का, नंबर है ठीक दिखाने के।